पिछले दिनों उपायुक्त के नेतृत्व में आने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक बैठक रखी गई थी, जिसमें एम्बुलेंस के मुद्दे को लेकर एसडीओ हेमंत सती ने सिविल सर्जन को अपशब्द कहे थे, जिसके बाद तत्काल उक्त बैठक को रद्द करना पड़ा था। अब इसी मामले को लेकर जिले के सभी चिकित्सकों ने उपायुक्त रामनिवास यादव को एक ज्ञापन देकर राज्य के मुख्य सचिव से मांग की है कि एसडीओ को सस्पेंड करते हुए उनका तबादला किया जाए और तब तक के लिए सभी अस्पतालों में रूटीन कार्य बंद रहेगा। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को पहले की तरह जारी रखा जाएगा, जिससे किसी भी मरीज को अपने जान से हाथ नहीं धोना पड़े। इसके अलावा चिकित्सकों ने हेमंत सती की मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये मेडिकल जांच का विषय है। मामले में सती ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ उपायुक्त के निर्देशों का पालन किया है, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है। कुल मिलाकर मामले में दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, मगर इन सब के बीच आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारे सिविल सर्जन के साथ जो वर्तमान एसडीओ हैं हेमंत सती, वो दुर्व्यवहार किए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए जूता से खोल के मारने की बात कही। ये इस बात का हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। ये और शोभनीय भाषा है हम लोगों के, जो हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, चिकित्सक समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो भी ऐसे पदाधिकारी जो कि हमारे कप्तान हैं जिले के सिविल सर्जन के साथ इस तरह का संयुक्त निर्णय ये हुआ है कि ऐसे बिगड़ेल पदाधिकारी जो कि किसी भी समय जूता चप्पल खोल करके पदाधिकारी को मारने की बात करते हैं, वो देखने से लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका मन स्थिति बिगड़ गया है, तो मेडिकल बोर्ड कराने की बात है। ये निर्णय लिया गया है। दूसरा निर्णय ये सरकार से हम लोग मुख्य सचिव से डिमांड करते हैं कि इनको अविलंब और सस्पेंड करते हुए यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। और जो बैठक कल चल रही थी, उस बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे हमारे माननीय उपायुक्त महोदय। उस बैठक में ये हस्तक्षेप करते हुए हमारे सिविल सर्जन के साथ अभद्र व्यवहार किए, ये दर्शाता है कि किए गए जो कार्य उनके द्वारा किया गया दर्शाता है कि सरकारी कार्य में उन्होंने बाधा डाला, सरकारी कार्य में उन्होंने बाधा, ये दर्शाता है कि वह किस मन स्थिति के हैं। और अभी भी ये मैं कहना चाहूँगा कि वो जो बैठक था राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने की बात थी, वो उस बैठक में उस दौरान उन्होंने जो कृत्य किए हैं उसके बाद वो बैठक रद्द हो गई। तो ऐसे पदाधिकारी को के साथ हम लोग काम करने में सक्षम नहीं पा रहे। सर कोविड को देख के सर क्या आपके द्वारा क्या दिया जाएगा, क्या दिया कोविड के बारे में? मैं अभी तो सभी लोगों का निर्णय हुआ कि जो इमरजेंसी है, जैसे किसी को ऑपरेशन करना है, एकदम निहायत ऑपरेशन, विजय सर ने यही कहा कि ऑपरेशन के दौरान अगर ऑपरेशन के नहीं होने के कारण अगर किसी का डेथ होता है तो हम नहीं होने देंगे। तो ये प्रोटोकॉल है कि क्योंकि आपको उस समय जो कोविड का टेस्ट कराते हैं सिर्फ पेशेंट को नहीं बचाते हैं, आप हम अपने आप को भी बचाते हैं, अपने ओटी के स्टाफ को भी बचाते हैं, तो उस दौरान कोविड का टेस्ट करना जायज है। टीकाकरण संबंधी बात जो तो रूटीन केस है वो नहीं है, लेकिन वो सर शब्द प्रयोग की बात कर रहे हैं कि जो शब्द प्रयोग है वो उचित शब्द नहीं थे। देखो, अब किसी को ऐसा लगता है कि गलत शब्द प्रयोग किया है तो उसमें उनका अपना वर्जन है। हमने यही है कि हमारा जो कहना है वो यही है कि चीज़ें ऑर्डर ऑफ प्लेस रहनी चाहिए, और जो टारगेट था, जो मुद्दा था, वो यही था कि जो इंस्ट्रक्शंस उपायुक्त महोदय के द्वारा दिए गए थे विधि व्यवस्था के संधारण के लिए, उसी विधि व्यवस्था को संधारित करने के क्रम में, चूँकि अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व तो होता है कि चीज़ें कानून व्यवस्था बनी रहे, उसी क्रम में हमने उनको बोला। साहिबगंज से सचिन केजरीवाल की रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।